आप सब मम्मी पापा जी चले गए हैं वहां विहान बाबू को लेके इस टाइम चले जाते हैं। और इस टाइम जब मैं अकेली होती हूँ ना, घर में कोई नहीं दिख रहा होता, तो मन थोड़ा सा समझ ही सकते हो कैसा हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए ये सारे कुछ कुछ इयररिंग्स हैं, ये देखिए ये भी है, इसमें देखिए डब्बे में भी है। अभी मैं ओपन करके आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ ना इनका एक वो लेकर आऊंगी, वीडियो लेकर आऊंगी प्रॉपर। ये भी आप देख सकते हो सारा सामान, ये देखो ये सारे चीजें हैं जो कि ये पहन के मैं बढ़िया तरीके से आपको दिखाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही हूँ, इस मंथ दिसंबर में लेकर आऊंगी। इसी चक्कर में ना मैं जैसे अभी जा भी नहीं पाती, वरना मैं भी मम्मी के साथ वहां चली जाऊं, पर वो है ना कि सामान कुछ ना कुछ आता रहता है डेली और फिर मुझे रिसीव करना होता है। तो मैंने ना कुछ सामान था वो बेड में रख दिया था उस टाइम जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे ना, मेरे को लगा खराब हो जाएगा, तो मैं अभी बेड खोल के वो सामान निकालूंगी, बिस्तरा भी, इसीलिए मैंने अभी नहीं जचाया है। कब आया? आई थिंक मेरी मम्मी ने रखा होगा यहाँ एक दो सूट ना, ये तो मुझे याद ही नहीं है। सुंदर लग रहा है, अच्छा है मम्मी का ये सूट, क्योंकि मेरा तो नहीं है ये सूट। यहाँ एक और रखा हुआ लग रहा है मुझे, ये देखिए थोड़ा निकाल के देखती हूँ। ये भी मेरी मम्मी के हैं, हाँ ये दोनों सूट मेरी मम्मी के हैं। ये वाला भी सुंदर है ना, सिया फैशंस का। चलो कोई नहीं, इनको तो रखे रहने देते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, यहाँ पे भी सूट है। अरे ये वाला तो देखा हुआ है मैंने, ये सूट तो देखे हुए हैं मैंने, यहाँ मम्मी नहीं रखे हुए हैं। सामान खोल रही थी ना मैं, तो देखिए मेरे को ये बैग दिखा, ये मैं विहान बाबू के लिए लेकर आई थी। क्यूट सा है ना बैग, किस विहान स्कूल जाया करेगा 2.5-3 साल का, तो इसमें मैं उसका खाना पीना डाल दिया करूँगी। गिफ्ट लाई थी मैंने, तो इसमें ना मैंने सनी की तरफ के जो शादी के कार्ड थे ना, जैसे बचे हुए थे, तो मैंने संभाल के रख रखे थे वहाँ पे उस घर में, मतलब उस घर में आप समझ ही जाओ, वहाँ पर अपनी अलमारी में। तब जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैं वो लेकर आ गई थी, मुझे लगा मेरी मेमोरीज हैं। तो ये देखिए मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी भी, रेड कलर में थे, तो दिखाती हूँ। पूरा ढंग से तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि इसमें ना जैसे फ़ोन नंबर वगैरह लिखे होते हैं ना, फिर मैं चेक करूँगी। हाँ इधर लिखा हुआ, रुकिए मैं आपको छिपो के दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ ऐसे था, दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो सनी शर्मा वेड्स निधि शर्मा, 4 फरवरी 2018 को शादी हुई थी, संडे था, छुट्टी वाला दिन था। और यहाँ पे इस तरीके से था कुछ, मैं ओपन करती हूँ इस तरीके से। देखिए ओपन हो रहा है मेरा कार्ड शादी का, और ये इस तरीके से था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, मतलब जो नॉर्मल लिखते हैं ना, ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रय, ये यही लिखा हुआ है इसमें, ये स्टार्टिंग है। ये देखिए कुछ पीछे से है, अब मैं इसको ओपन भी करती हूँ। इसमें ना अंदर की तरफ सिल्वर कलर की है, ये देखिए बाहर गोल्डन में था, ये जो स्याही है ना सिल्वर की है। तो श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है। तो मेरा सैटरडे को तो 3 तारीख को तो लेडी संगीत था, और 4 तारीख को देखो मेरा लगन टीका ना सेम डे पे था, लगन था जैसे शाम को, फिर देखो 8 बजे घुड़चरी और डिनर 8:30। लेकिन पता है दूल्हे को आते आते ही करीबन ये लगा लो 11 बज गए थे, 11:30, 11, बहुत लेट हो गई थी बारात, बहुत लेट आई थी। तो यहाँ पे ये जगह थी, देखो इस लोकेशन पे मेरी शादी हुई थी। और इसके अलावा यहाँ भी इस तरीके से है, यहाँ पे तो पता ही आपको दादा दादी का इनका नाम लिखा जाता है। तो कुछ इस तरीके का मेरा शादी का कार्ड था।
ये यहाँ पे बेड में से देखिए, मैंने ना अपने कुछ पहनने के पजामे निकाल लिए। ये मेरे सर्दियों के पजामे हैं, ये वाली मेरी, ये भी मेरा पजामा है। पिछली सर्दियों में लेकर आई थी पर मेरे उस टाइम आया नहीं था, पता नहीं इस बार भी आएगा या नहीं, नहीं आएगा तो वापस रख दूंगी। उस टाइम मैं मोटी हो रखी थी, अब तो वैसे मेरा 7-8 किलो वजन पहले से कम ही है। ये 3 पजामे मेरे पापा जी लेकर आए थे, इनको मैं दिखा देती हूँ। है तो सिंपल से ही, देखो इस तरीके के हैं। पहनूंगी अगर आगे तो जरूर पहनूंगी मैं, पिछली बार तो रखे ही थे मैंने। और इसके अलावा भी हान की एक स्वेटर भी मुझे दिखी तो मैंने निकाल दी, क्योंकि इस साल तो आ जाएगी फिर अगले साल तो आनी भी नहीं है। तो ये कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, पेटीकोट हैं, ये देख लीजिए आप। इनका मैं वीडियो बनाऊंगी ना तब आपको अच्छे से पहन के दिखाऊंगी। ये सारी साड़ियाँ जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये मैं पहननी है मुझे, तो इनकी मैंने अच्छे से निकाल दी है। देखो कुछ तो बिल्कुल ही पैक है, ये सारी साड़ियाँ मेरे को पहन के दिखाऊंगी मैं। ये सुंदर है ना वैसे, ये देखो कितनी प्यारी सी है। और ये 500 रुपये से कम की साड़ी है सारी, 300, 350, 400 इस रेंज की हैं ज़्यादातर। कोई कोई होगी जो 500-600 तक की भी होगी, तो अच्छा लगेगा ना आपको भी, मैं पहन के दिखाऊंगी ये सब। ये भी साड़ी है, ये देखो ये सब पहनूंगी मैं। ये जुराबे निकाल दी मैंने कुछ, क्योंकि ये ना अब सर्दी आ रही है तो इसी में पैक करके बाद में रख देती हूँ, पहले निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से कुछ सामान है मैंने निकाल लिया है, बस अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। पीछे बेड मैंने बना दिया है, कमरा सेट कर दिया है एकदम। यहाँ ब्लैंकेट रख दिया क्योंकि ये ना दिन में भी कई बार कैरी कर लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। मैं तो पता है क्या सोचती हूँ आज के टाइम में ना, देखो अगर मेरे साथ किसी ने ज़िंदगी में कुछ गलत किया है ना, मतलब मेरा दिल भी दुखाया है पास्ट में, या फिर मेरे साथ चीज़ें गलत हुई हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं, अपने दिल में रख नहीं थी, भगवान ने तो देखा है ना कि तेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मीन्स ठीक है यार, मतलब मैंने सब कुछ खो के भी मतलब अपनी लाइफ को फिर से ज़ीरो से शुरू किया, और सबको पता है यार, भगवान को तो मालूम है कि हाँ मेरा उस टाइम मैं कैसे किस मोड पे खड़ी थी, और मुझे भी पता है कि मैंने कैसे कैसे उस टाइम को निकाला है, कैसे एक एक दिन करके उस मुश्किल टाइम में जब मेरे पास कोई भी सहारा नहीं था, कोई पैसों का 1 रुपये का मेरे ऊपर सहारा उस टाइम नहीं था, बड़ा अजीब सा लगता था जब मायके में बैठी थी मम्मी और के घर में, और हर चीज़ मम्मी पापा जी की तरफ देखना पड़ता था, मांगना पड़ता था, थोड़ी शर्म आती थी, बहुत ही सोच सोच के मतलब चीज़ें, मतलब मैं खुद अगर कुछ चीज़ भी चाहिए होती थी ना तो मैं मतलब बोल भी नहीं पाती थी कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ऐसे खुद को ही लगता था देखो यार खर्चा करवा रहे हैं। और चीज़ें थी, मतलब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, काफ़ी गलत हुई हैं, जो कि ना आज तक मेरे को ना कहीं आज तक दिल दुखा देती है। और ना जो चीज़ें मैंने, जो एक भरोसा होता है ना मेरा, वो इस तरीके से टूटा है। अब कल को ना हो सकता हो कि ना कल को पता नहीं लाइफ में कोई क्या मिले क्या हो, मुझे नहीं पता आगे की ज़िंदगी का, लेकिन जो भरोसा मैंने, एक होता नहीं हम ब्लाइंडली किसी पे भरोसा करते हैं और वो आपका एक ही झटके में टूट जाता है, तो आप दोबारा कभी भी बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर नहीं पाते हो। तो वो चीज़ है मेरे साथ, अब अपना बिज़ी लाइफ रखूँगी तब तक तो मेरी लाइफ थोड़ी ठीक चलेगी, पर वो चीज़ें ना माइंड में आती हैं पता है, एकदम से आ जाएंगी और ये लगेगा अरे तेरे साथ ये हुआ वो हुआ ये चीज़ें हुई, मतलब ठीक है, बहुत उम्मीदें नहीं थी मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई, मतलब कि जब सोचा भी नहीं था कि मेरे को मतलब इतना कुछ, मतलब मेरे को ना, मतलब लोग कहते हैं कि ना हाँ निधि तुमने जितना बुरा देखना था वो देख लिया, अब आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में ना मैंने बचपन में भी काफ़ी दिक्कतें झेली थी, ऐसा नहीं था कि बचपन मेरा मतलब बहुत स्मूथ गया था, मैंने बचपन में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी लाइफ में, मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो मुझे सब उस टाइम पता है क्या बोलते थे, जब मैं उस टाइम वो फेज था मेरा, तो जब मेरी शादी नहीं हो रखी होती तब मेरे को ना मेरी फ्रेंड्स लोग सब मेरे को, जो मेरे को जानते हैं वो मेरे को बोला करते थे कि निधि तूने अभी अपनी मतलब बचपन में और उस टाइम काफ़ी दिक्कतों का सामना कर किया है, और इतनी स्ट्रांग होके तूने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके अपना बीटेक किया है। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने बीटेक किया हुआ है, तो बहुत मुश्किलों से मैंने उस टाइम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किया था, क्योंकि ना
फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी मेरी, लेकिन थोड़ा होता है ना, एक माहौल होता है ना कि घर का माहौल थोड़ा सा उस टाइम ठीक नहीं रहता था, मतलब पढ़ाई लिखाई के हिसाब का माहौल नहीं था। मीन्स क्योंकि मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि होनहार से होनहार बच्चे होते हैं ना, घर पे अगर अच्छा थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई टाइप का माहौल ना मिले तो वो छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई, प्लस टू टेंथ करके छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं भरोसा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी थी, बहुत मुश्किल से। मतलब चाहे कुछ होता रहा, कुछ भी चलता रहा, लेकिन मैं अपना बैठ के डेली, मतलब कभी कॉलेज में पढ़ लेती थी, कभी हॉस्टल में, मतलब कुछ ना कुछ करके मैनेज करके मैंने अपना बीटेक बहुत अच्छे से निकाला था। तब मुझे सब बोला करते थे कि निधि तू इतनी स्ट्रांग होके अपनी पढ़ाई कर रही है, तूने मतलब इतना कुछ मतलब अभी तक कर लिया, तो ना आगे की लाइफ तेरी बहुत अच्छी जाएगी। देखियो तेरे को ना बहुत अच्छा प्यार करने वाला पति मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा, और तेरी आगे की लाइफ अच्छी कटेगी। पर पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा ना, मैंने देखा है कि जिसकी लाइफ में शुरू से स्ट्रगल चला हो ना, वो आगे भी लाइफ में स्ट्रगल उसका ख़त्म ही नहीं होता। तो देखो उसके बाद तो बल्कि मेरे को ये लगा था कि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, पर मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरी शादी के बाद जिंदगी देखो और क्या क्या हुआ, आपको खुद को पता है मेरे साथ। तो लाइफ अच्छी तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन हाँ मेरे को चैलेंजेस बहुत सारे मिल गए। लेकिन मेरे मन में ना उस टाइम ये चीज आती थी कि देख निधि, जो सिचुएशन ना देख, तेरे को खराब से खराब सिचुएशन मिली है, तू एक गड्ढे में जाके गिर गई है, लेकिन अब इस गड्ढे को तेरे को खुद भरना पड़ेगा, खुद अपनी मेहनत से भरना पड़ेगा, तुझे ऊपर ना खुद उठना पड़ेगा इस गड्ढे से जिसमें तू गिरी है, क्योंकि कोई तेरे को ऐसे निकालने के लिए नहीं आएगा इस गड्ढे में से खींच के कि हाँ तू निकल इसमें से निकल। तो मैं अभी भी नहीं कहती कि मैं पूरी तरह इस गड्ढे से निकली हूँ जिसमें मैं गई जा चुकी हूँ, शायद ज़िंदगी भर ना निकल पाऊँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश हर रोज़ करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को पहले से एक दिन बेहतर बना सकूं। जैसी मेरी ज़िंदगी कल थी उससे आज मेरा अच्छा हो, और कल आने वाला कल मेरा आज से भी ज़्यादा अच्छा हो, ये कोशिश मैं हर रोज़ करती हूँ। हर रोज़ टूटती भी हूँ, हर रोज़ रोती भी हूँ, दुख भी होता है, पर फिर भी मैं एक एक कदम लिए जा रही हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि अगर आपको कभी मंजिल ना दिखे ना कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपका रास्ता कहाँ है, तो आप मंजिल की टेंशन ही मत लो, सिर्फ एक एक कदम चलते जाओ, बस एक एक कदम। अगर आप भाग नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, चल नहीं सकते तो थोड़ा सा सरकने की, उस जगह से निकलने की थोड़ी सी कोशिश करो, क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कर करके एक दिन जब आप बहुत आगे चले जाओगे ना कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ आप उस पॉइंट से कुछ आगे निकल गए हो, आपने मेहनत तो करी है एटलीस्ट। तो चलिए ठीक है जी, आपको भी मैं यही बोलूंगी, मैसेज दूंगी कि हाँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते रहो, निराश मत हो, कैसी भी सिचुएशन मिले लाइफ की एक दिन जरूर बदलेगी, अगर आप बदलना चाहोगे तो। नहीं बदलना चाहोगे या फिर सोचोगे कि कोई और आके बदल जाएगा तो वो लाइफ की सिचुएशन हमेशा ख़राब रहेगी। तो चलिए जी, थैंक यू, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।